हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो हम भी खुदा का शुक्र है आप सब की दुआओं से ठीक है। तो मैं अभी काम करके हुई थी फारिग, अभी मैंने सारा काम किया है, अभी बस रोटी रह गई बनाने के लिए। अभी मैं रैनू को लेने जाऊंगी संडे स्कूल से, क्योंकि वो अभी अपनी प्रैक्टिस पे गई है। तो मैं अभी रोटी बनाऊंगी और कपड़े प्रेस करने लगी थी अपने, क्योंकि शाम को मैं अभी चर्च का टाइम भी हो जाएगा, तो चर्च जाने के लिए कपड़े प्रेस करने लगी थी। तो आज जैसे कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, तो हम लोगों की तो ये ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश है कि जैसे पाकिस्तान इंडिया से जीता है तो इसी तरह ऑस्ट्रेलिया से भी जीते और हमारे मुल्क का नाम रोशन हो। तो खुदा करे कि पाकिस्तान को आज भी कामयाबी हो और बहुत अच्छी तरह से वो जीते। और आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि किस किस का मैच पसंद है, और मुझे भी बहुत पसंद है मैच। और हमारी गली में तो इधर लगाते हैं वो भाई टीवी गली में, तो फिर सारे मिलके वो लड़के आदमी सारे देखते हैं, तो बहुत मतलब हल्ला गुल्ला करते हैं। और जिस दिन पाकिस्तान और इंडिया का था उस दिन तो बहुत ही हल्ला गुल्ला किया था हमारी गली के मतलब लड़कों ने, आदमियों ने भाई टीवी रख के लगा के तो देखा था उन्होंने मैच। तो उम्मीद है कि आज भी पाकिस्तान जीत जाएगा। तो आज मुझसे हो गया नुकसान, मैं कर रही थी अभी डस्टिंग कर रही थी और मुझसे गिर गए मेरे बर्तन, और ये देखें आज मैं नुकसान करके बैठ गई हूँ। ये मेरे अपने मेरे डोंगे टूट गए, कैसे दिखाऊँ, हाँ ये देखें, ये इधर से ये दोनों, ये वाला भी टूट गया देखें, और ये इसके पीस भी बीच में पड़े हैं, और ये वाला भी टूट गया। ये दोनों मेरे डोंगे टूट गए डिनर सेट के। तो अब देखो, अब जुड़ेंगे तो नहीं, ये बस पहनेंगे ही पड़ेंगे, क्योंकि अब ये जुड़ तो सकते नहीं है, बहुत बुरे तरीके से टूट गए हैं। तो मुझे इतना दुख हो रहा था कि इतना मुझे प्यारा है, ये मेरे अपना पसंद था डिनर सेट रैनू, उस वक्त बहुत छोटी सी थी जब से मैंने लिया था। मैं बहुत संभाल के अपनी चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ, तो ये आज मुझसे हो गया नुकसान और मुझे अफसोस हो रहा है। और मुझसे कभी नुकसान हो जाए तो मुझे बहुत दुख होता है कि बहुत मुश्किल से इंसान बनाता है अपनी चीज़ें, तो क्योंकि मैंने ये सब कुछ अपनी शादी के बाद बनाया है और अपने हाथों से बनाया है, तो इसलिए भी मुझे बहुत ज़्यादा मतलब एक एक चीज़ से प्यार है। और अभी हमारा टीवी भी ख़राब है, लेकिन मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि चलो बेच देते हैं इसको, तो मैं बोलती हूँ नहीं, मैंने नहीं ये बेचता, आपने दूसरा मतलब लेना तो ले लो, लेकिन ये मैं नहीं बेचूँगी। क्योंकि ये जब मैं शादी करके आई थी तो फिर मैंने लिया था, क्योंकि मैं बहुत बोर होती थी उस वक्त, रैनू भी नहीं थी और इसके पापा चले जाते थे ड्यूटी पर, तो मेरी नन थी वो तो अपने घर में रहती थी, वो भी शादीशुदा थी, तो मैं मतलब घर में बोर होती थी सारा दिन, बाहर लेट के सेन में परिंदों को देखती रहती थी बस उड़ते, और बहुत अकेला महसूस करती थी, क्योंकि मैं मतलब हमारा घर काफ़ी मतलब लोग थे, बड़ी फैमिली थी, मेरे भतीजी थी, भतीजा था, तो भाई बहन भी थे, सब थे हम, तो मैं बहुत बोर होती थी, बहुत अकेला फील करती थी मैं। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे लेके दिया था टीवी कि चलो तुम्हारा दिल लगा रहेगा, तो मैं इसलिए मुझे एक एक चीज़ से अपनी से बहुत प्यार है, सबको ही होता है, तो इसलिए मुझे इतना दुख हो रहा है कि मैंने अपने बर्तन मेरे हाथ से खुद ही टूट गए हैं। तो मेरे हस्बैंड तो कुछ नहीं बोलेंगे, अशरफ तो मुझे पता है कि वो तो कुछ नहीं मुझे बोलते किसी बात के लिए भी, ना ही कभी उन्होंने मुझे डांटा है किसी चीज़ के लिए। वो बोलते हैं तुम्हारा घर है, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, तो कोई बात नहीं, चीज़ टूटने वाली थी टूट गई, लेकिन मुझे अफसोस रहता है। और चलो अब क्या कर सकते हैं, टूटने वाली चीज़ थी वाकई, वो तो है कि टूट गई है। और कराची का मौसम आप सबको पता है कि अभी गर्मी भी इतनी नहीं है, लेकिन कराची वालों को ये मौसम भी बहुत ठंडा लग रहा है, तो वो तो कह रहे हैं कि बहुत सर्दी है, कुछ लोगों को तो मैंने देखा है कि उन्होंने स्वेटर भी पहनी होती है। तो हमें तो इतनी गर्मी, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है। मैं अब कह रही थी मैंने बोला काम वाम ख़त्म करके नहाऊँगी और फिर जाऊँगी चर्च, तो इतना मौसम ठंडा तो नहीं है, पंजाब में भी अभी इतनी मतलब सर्दी नहीं है कह रहे थे, मेरी बात हुई थी तो मेरी खाला भी बता रही थी और मेरी कज़न भी बता रही थी, तो कह रहे हैं कि नहीं है सर्दी। तो उन्होंने मतलब मेरी भतीजी की शादी थी पिछले दिनों में, तो उन्होंने वीडियो वगैरह बनाई, तस्वीरें बनाई, तो मैंने सबकी देख रही थी अभी वीडियो भी, अब दोपहर को आई थी मुझे ना, तो मैं देख रही थी, तो इतनी गर्मी, किसी ने भी स्वेटर वगैरह तो कुछ नहीं पहना हुआ था, शाम का था, तो अभी देखो। और
मैं अपनी मेरी बहन आ रही है 15 शायद 16 को शायद आए, अभी डेट फिक्स नहीं हुई और मुझे भी इतना बताया नहीं उसने। उनकी सीटें अभी उन्होंने बुकिंग करवानी थी अपनी, तो मैं कल पता करूंगी और मैं अपनी बहन से मिलूंगी 3 साल के बाद, और आप लोगों से भी मिलवाऊंगी। और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मेरी बहन आ रही है और मैं 3 साल के बाद अपनी बहन से मिलूंगी। मुझसे छोटी है और जो उससे छोटी थी उसकी डेथ हो गई है, तो और हमारा दोनों बहनों का बहुत प्यार होता था, हम दोनों के साथ तो सोते थे और लड़ाई भी करते थे, खूब हमारी लड़ाई होती थी, तो प्यार भी बहुत था। और अभी हम लोग मतलब एक दूसरे के बगैर रहते नहीं थे, और अभी काफ़ी साल मतलब गुजर जाते हैं, कभी मैं जाऊँ 2 साल के बाद या कभी साल के बाद तो फिर मिलती हूँ अपनी बहन से। और मेरी बहन पहली दफ़ा आ रही है हमारे पास, तो कराची में मेरी पहली दफ़ा वो आ रही है, तो फिर मैं आपको उससे भी मिलवाऊंगी। और मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ कि मेरी बहन आ रही है, तो मैं उससे मिलूँगी 3 साल के बाद मैं उससे मिलूँगी। तो बस ये देखने के पहले बहन भाई जो साथ में रहते हैं इकट्ठे रहते हैं, कभी एक दूसरे के बगैर रहना भी बर्दाश्त नहीं करते, और फिर शादियाँ हो जाती हैं, सब बहन भाई इधर उधर बिखर जाते हैं, और फिर कभी जब होता है मौका कोई तो फिर मिलते हैं, मिलना मिलाना फिर होता है, तो अब देखें। तो फिर मैं आपको ज़रूर अपनी बहन से भी मिलवाऊंगी, और मुझे एकदम खांसी शुरू हो गई, पता नहीं क्या मेरे गले में लगा है, पानी पी के आई हूँ लेकिन फिर भी ऐसे गले में कुछ लग रहा है। तो बस, और आप पता नहीं एकदम जो ऐसे गले में कुछ होता है ना फिर बहुत तकलीफ होती है। तो काफ़ी दिन हो गए, मैं अपने भाई की तरफ भी नहीं गई ना ही वो आए हैं, और बात भी नहीं हुई फ़ोन पे। तो कल सोचा था कि जाऊंगी जुम्मे के दिन, अब पता नहीं, मैंने मशीन भी लगानी है, कपड़े भी धोने मैंने, तब देखती हूँ कि क्या करती हूँ, क्योंकि लाइट जाती है तो बहुत लाइट मतलब बहुत तंग करती है, तो कपड़े धोने के लिए फिर प्रॉब्लम होती है। तो कल तो जुमा है, तो मैं कह रही थी कि चलो मशीन लगा लूँ, कपड़े धुल जाएंगे मेरे, तो अब देखते हैं कि मैं अपने भाई की तरफ जाती हूँ या कपड़े धोती हूँ, क्या करूँगी कुछ पता नहीं है। तो उम्मीद है कि मेरी आज की छोटी सी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया दिल से कि आप लोग मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, मेरी वीडियो को लाइक करते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, आपके प्यार की, तो आप प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मेरी मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं भी कामयाब हो जाऊं। तो उम्मीद है कि मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, मेरी छोटी छोटी बातें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूं आपको अच्छी लगी होंगी, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को करना लाइक शेयर, और चैनल को करना सब्सक्राइब। ओके बाय, खुदा हाफिज़, गॉड ब्लेस यू।